बेसिकली ये फोकस करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे. तो आपको पता है कुछ कंपनीज जो आती हैं यहाँ पर, जैसे कि आपने बोला तो आपने हाँ एली लिली कंपनी है जो कि आते हैं, बायोकॉन कंपनीज एंड ऑल टॉप बायोटेक कंपनीज, भारत बायोटेक एंड ऑल, यहीं से लेते हैं बच्चों को. तो टॉप प्लेसमेंट्स एली लिली से लगता है. अच्छा, और आईबीए भी लोकेटेड कहाँ है इंडिया में? बैंगलोर में. बैंगलोर में है. हाँ. सो इसका प्रोसीजर क्या है सुकन्या? मैम, पहले मैंने जब अप्लाई किया था आईबीएबी में, एक उनका ऑनलाइन फॉर्म आता है जिसको आपको फिल करके अप्लाई करना पड़ता है. द फी वाज अराउंड 800 और 600 ऐसे कुछ रेंज में रहता है. एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू टू मेल देम द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो जो वो मांगे होते हैं, उसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म एंड द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट उसको उनको मेल करना होता है. तो उनको मेल करने के बाद वो सबके जेरोक्स कॉपी भी मांगते हैं सेल्फ एटेस्टेड करके. तो उसको स्पीड पोस्ट भी करना होता है उनके इंस्टीट्यूट में. तो हम जब उसको स्पीड पोस्ट करते हैं और मेल करते हैं एट द सेम टाइम, देन योर एप्लीकेशन गेट्स अप्रूव. अप्रूव होने के बाद उनके पास आपको मेल आ जाता है जब अप्रूव हो जाएगा आपका एप्लीकेशन. उसके बाद उनके पोर्टल में सारे अपडेट्स आते रहते हैं कि कब एग्जाम है, कब ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, कब पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है. सबका शेड्यूल डेट एक रहता है, वो शेड्यूल डेट आपके पोर्टल में ही मिल जाता है. तो वो शेड्यूल डेट उन लोग अपडेट करते रहते हैं. इस बार थोड़ा लेट हुआ था, एक्सटेंड किए थे उन लोग एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम. फिर उसके बाद शेड्यूल डेट के हिसाब से उनका लाइक जितने बच्चे ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उनका एक ऑनलाइन टेस्ट होता है. अच्छा. उसी दिन उसी टाइम को यू हैव टू लॉग इन थ्रू योर लैपटॉप. And they preferably say you to use your laptop only because mobile से थोड़ा this connection problem होता है. तो laptop से हम login करते हैं. login करने के बाद वो online test होता है. online test में शायद 20-20-20 करके ऐसे division रहता है सारे topics से. bio शायद bio का 40 था और chemistry physics और math का 20-20-20 questions थी. तो वो ऑनलाइन टेस्ट से कंडक्ट होता है. होने के बाद दे शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स. तो उन्होंने इस बार 270 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे, 270 प्लस कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे फ्रॉम द ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन टेस्ट. फिर वो 270 बच्चों का वो ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, PI लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू. तो उनका जिनका शॉर्टलिस्ट हो जाता है उनको मेल आता है दैट योर शेड्यूल इज दिस फॉर द ऑनलाइन इंटरव्यू. ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद वो 40 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है. तो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई फर्स्ट, उसके बाद आपका ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट होगा और उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा एंड देन सिलेक्शन. वन राउंड ऑफ इंटरव्यू. फॉर्म इनका, हाँ फॉर्म इनका लगभग अप्रैल मई के महीने में निकल जाता है. ओके. इसके अलावा सुकन्या, आपने मुझे बताया 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के 2020 इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या था? अपन IIT जैम वगैरह की प्रिपरेशन करते तो क्या लेवल? हाँ मैम, IIT जैम का जब मैंने एग्जाम दिया था बायो के क्वेश्चन उसी लेवल के थे, मतलब जैम लेवल के ही थे. और आपने जो पढ़ाया था बहुत सारे क्वेश्चंस बेसिक भी थे और बहुत सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी थे. कुछ कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स बेस्ड होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जैसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं. मतलब ऐसा कि एक बार आपका कॉपी नोट्स पूरा रिवाइज कर लो ना तो मतलब हो ही जाएगा. बायो का तो 30 टू 35 क्वेश्चन आपके कॉपी से ही थे. अच्छा. मतलब और न्यूमेरिकल्स में भी आपने बहुत प्रैक्टिस सेशन लिया था हमारा, और मैंने सारे प्रैक्टिस सेशन अटेंड भी किए थे. अगर मुझसे लाइव नहीं हो रहा था तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती थी, तो उसमें से क्वेश्चन आ जाता है. और मैम, अगर मैं बात करूँ बायो के अलावा मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो मैथ्स में उन लोग ने ज्यादा एप्टीट्यूड में फोकस किया है, लाइक नॉट ऑन 11th 12th. दे गेव द क्वेश्चन ऑफ 10th लेवल. तो 10th लेवल के क्वेश्चन दिए हैं, थोड़े लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन भी थे उसमें. अच्छा, जैसे अगर तो लॉजिकल राइट में तो वो लेफ्ट में क्या होगा टाइप्स ऑफ सिचुएशन या फिर वैसे वाले, राइट? पजल वगैरह. और मैम वो नंबर पैटर्न्स, नंबर जो होता है सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस थे, एंड अल्फाबेट क्वेश्चंस थे, ऑड वर्ड आउट क्वेश्चंस भी थे मैथ्स में.
तो मैथ्स का पूरा मतलब लॉजिकल रीजन कैट वाला जो प्रोसीजर होता है कैट एग्जाम का वैसे ही, और SSB SSC के लिए भी जो वो मेडिकल वाले बच्चे देते हैं उसके बाद, तो वो SSB SSC लेवल का क्वेश्चन था उसमें, वो पेपर से भी अगर उठा के तुम थोड़ा एप्टीट्यूड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा। मतलब मैथ्स का पूरा बेसिक 10th वाला था, प्रॉफिट एंड लॉस टाइम वगैरह का क्वेश्चन। तो मैथ्स का ऐसे, केमिस्ट्री का मैं बोलूंगी केमिस्ट्री का 12th लेवल से थोड़ा बहुत आया था, 5-10 क्वेश्चंस 12th के थे और सारे क्वेश्चंस 10th के बेसिस में ही थे, और बहुत सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वगैरह पूछेंगे, बेसिक बेसिक से थे। और फिजिक्स का फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूला से क्वेश्चन था। एक शायद मुझे हॉराइजॉन्टल स्पीड वगैरह का वो प्रॉब्लम आया था जो मैंने छोड़ दिया था, मुझे आता नहीं था, और सारा मैंने अटेम्प्ट किया, मुझे आता था। फिजिक्स भी इजी था और केमिस्ट्री भी थोड़ा 12th का था एंड 10th का बेसिकली। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि जो मतलब ये टेस्ट अटेंड करने जाएंगे तो वो 10th तक पूरा अच्छे से कर ले, मतलब बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा अच्छे से कर ले, मैथ्स भी अच्छे से कर ले, और बायो का ऑफकोर्स BSc लेवल तक आता है, तो डिटेल पढ़नी पड़ेगी। डिटेल पढ़नी पड़ेगी, और सबका 10th तक कर लोगी तो भी यू विल बी क्लियर इन द कॉन्सेप्ट एंड ये टेस्ट पास हो जाएगा। तो सुकन्या हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का था ये याद है आपको? इतना सारा एग्जाम भी है अभी याद नहीं है, बट हाँ मैम 0.5 नेगेटिव था और शायद 2 मार्क्स टू थे मार्क्स का ही होगा, अगर क्वेश्चन। 0.5 नेगेटिव था तो 2 मार्क्स का ही होगा। और हाँ तुम्हारे 2 मार्क्स थे मैम, कितने मार्क्स बनेंगे, ये बने थे ये कुछ याद है कि नहीं? उन्होंने उन्होंने कोई मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं डिस्क्लोज नहीं उन्होंने किया। वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं इसके बाद मार्क्स, दे जस्ट सेंड यू द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्टेड, पोर्टल में अपलोड हो जाता है। और दिस दिस प्रोसीजर वाज वेरी फास्ट एक्चुअली, 22 को उनका एग्जाम था बट दैट गॉट एक्सटेंडेड अप टू 29th ऑफ मई, तो इसीलिए उन्होंने ये सारे प्रोसीजर बहुत फास्ट फास्ट कर लिए। 2 दिन बाद ही हमारा रिजल्ट निकल गया था सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। अगर तुम्हारा 29th ऑफ मई को तुम्हारा एग्जाम हुआ और तुमने अभी 15 जून है और तुम्हारा तब तक हो भी गया सब कुछ, हाँ, यस मैम, फॉर्म अप्रैल में शायद तुम्हारे फॉर्म निकले होंगे, मई में तुम्हारा निकले एग्जाम होंगे। हाँ होगा, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा सब। हाँ ओके ओके मई मिड तक शायद तक था, या मई मिड या फिर 22 या 20 तक उन्होंने फॉर्म का एप्लीकेशन एक्सटेंड किया था, फिर उसके बाद 29 को टेस्ट था, फिर फर्स्ट या थर्ड के अंदर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट निकल गया था, और फोर्थ नहीं सिक्स से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, 6th to 16th इंटरव्यू था। हाँ तो सुकन्या तुम्हारा जो इंटरव्यू था उसमें कितने पैनलिस्ट थे और मैम, इंटरव्यू में 3 पैनल मेंबर्स थे। कितना टाइम का हुआ था तुम्हारा इंटरव्यू? मैम वो लगभग 35 to 40 मिनट्स का हुआ था। ठीक है सुकन्या, तो आपको ये याद है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाँ मैम क्वेश्चंस मुझे याद है, अभी रिसेंटली गया था, क्वेश्चंस मुझे याद है। 3 पैनल मेंबर्स थे, वन बाय वन दे विल आस्क, ऐसे नहीं कि तीनों एक साथ आस्क करेंगे, वन बाय वन। फर्स्ट मुझे स्टार्ट किया गया विद द इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, लाइक फ्रॉम वेयर यू आर स्टेइंग एंड फ्रॉम वेयर यू आर कंप्लीटिंग योर डिग्री, द कॉलेज नेम आई सेड, देन वेयर इट इज लोकेटेड, और फिर मुझे पूछा गया कि आर यू गिविंग दिस इंटरव्यू फ्रॉम योर होम और नॉट। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ के उन लोग थोड़ा कंफर्टेबल करवाते हैं खुद से हमको। एंड हाँ फिर मेरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट मैम जो मुझे पूछी थी, पहली बात तो मैं ये बोल दूँ, डीएनए न्यूक्लियोटाइड एंड अमाइनो एसिड्स पे तो क्वेश्चन रहते ही हैं उनके, लाइक उनका न्यूमेरिकल्स, कोडॉन्स पे न्यूमेरिकल्स, ये सब क्वेश्चन उनका नॉर्मल है। तो पहले मुझे पूछा गया था कि व्हाट इज योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ तो मुझे सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलना था, मेरा पूरा इंटरव्यू उसमें ही गया, ओके तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बोला मॉल बायो, बिकॉज मैंने आपसे मॉल बायो बहुत बार पढ़ा है एंड वो मॉल बायो का टॉपिक मेरे माइंड में पूरा छपा हुआ है, लाइक मॉल बायो में हम अभी कभी नहीं पीछे हटेंगे, इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम योर क्लास। यस तो मैंने मॉल बायो बोला एंड मॉल बायो से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से मुझे पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत बेसिक थे। पहले एक क्वेश्चन था, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर इन द डीएनए,
वो उसके बाद मुझे पूछा गया कि बेसिक हाँ कि तुमको 64 कोडॉन्स क्यों होते हैं इफ देर आर ओनली 20 अमाइनो एसिड्स. सेलिनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन को मिला के 22 अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो उसके लिए हमें 22 कोडॉन्स की जरूरत पड़ती है. तो हमें 64 कोडॉन्स क्यों रखे गए हैं एंड नेचुरली 64 कोडॉन्स क्यों होते हैं, तो डीजेनरेसी ऑफ कोडॉन्स पे क्वेश्चन थे. तो वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया. उन लोग हिंट्स भी देते हैं हमको, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग द परफेक्ट आंसर दे से अस द हिंट्स एंड वी हैव टू कैच देयर हिंट्स. और अगर उनके हिंट्स को कैच करोगे तो पूरा आंसर लास्ट तक जा पाओगे. तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस हाँ मुझे ऐसे क्वेश्चंस पूछे. फिर और क्या डीएनए से क्वेश्चन, हाँ लेंथ ऑफ द डीएनए, बी डीएनए का पूरा इंफॉर्मेशन पूछा. फिर हाँ फिर इकोलाई का जीनोम का साइज वो पूछा, और ह्यूमन ह्यूमन जीनोम का साइज वो भी पूछा मुझे. लाइक अप्रोक्सीमेट बोलने से भी बेसिक क्वेश्चन, चलेगा. टेंथ लेवल के क्वेश्चंस लग रहे हैं ये सारे तो। हाँ, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. हाँ मुझे फिर उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिए. लाइक अच्छा व्हेन आई आंसर दिस 20 अमाइनो एसिड वाला डीजेनरेसी 64 कोडॉन्स, उसके बाद उन्होंने मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने दिए कि लाइक अगर रिपीटेटिव सीक्वेंस नहीं होंगे एटीजीसी में, अगर हम रिपीट नहीं किए और द कोडॉन इज ओनली मेड अप ऑफ थ्री अमाइनो एसिड थ्री न्यूक्लियोटाइड बेसिस, तो उसमें कितने कोडॉन्स बन सकते हैं. तो अच्छा 4 × 3 × 2 ऐसे करके अच्छा तो रिपीट नहीं होने चाहिए और द कोडॉन इज ओनली मेड अप ऑफ थ्री न्यूक्लियोटाइड्स. तो ये क्वेश्चन था. एंड मुझे उसके बाद ये भी बोला कि अगर फोर न्यूक्लियोटाइड से मैं कोडॉन बनाऊं, तो अगर रिपीट करूं सारे न्यूक्लियोटाइड्स को तो कितने कोडॉन्स बनेंगे. ऐसे ओके करके मैंने पूरा उनको समझाया. तो थोड़ा न्यूमेरिकल्स था एंड वो मैम का खत्म हुआ. फिर नेक्स्ट मैम मुझे पूछी कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन किसमें है, तो मैंने बायोटेक बोला. तो उसने उन्होंने मुझसे टेक्निक से क्वेश्चन पूछने लगे. अच्छा टेक्निक से बेसिक क्वेश्चन जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज का प्रिंसिपल, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल मैंने समझाया. और उसके बाद उन्होंने पूछा कि हम लोग कैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का पोर साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अगर सेपरेट कर रहे हैं तो कैसे हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का पोर साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन था. और उन्होंने मुझे पूरा पीपीटी में जेल दिखा दिया और हाँ वो जेल सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए का था. और फिर वो सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए सेपरेट हुआ था, एक 6 KB था, एक 8 KB था और एक 4 KB था. उसमें अच्छा से उन्होंने मुझे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा, मतलब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा. लाइक सर्कुलर होता तो कौन आगे जाता, लीनियर होता तो क्यों अटक गया, और सर्कुलर है तो क्यों वो जल्दी फ्लो करेगा, मतलब जेल में हाँ फास्टर रन करेगा. वो सब क्वेश्चन मुझे बेसिक सा पूछा. और फिर उन्होंने एसडीएस पेज का एक जेल दिखाया मुझे और सारे बैंड्स थे. आपने ये बहुत अच्छी तरह से हमको पढ़ाया था. लाइक मुझे पता है मैं टेक्निक्स का क्लास की थी, आपने एडवांस डिग्रेडेशन वो सब, और वो मतलब पूरा न्यूक्लियोटाइड्स का पूरा सेपरेशन पूरा अच्छे से एकदम माइंड में प्रिंट था. तो अच्छा उन्होंने मुझे दिखाया एक जेल एसडीएस पेज का, उसमें बैंड सारे थे, 10 या 8 बैंड्स थे. उसमें से उन्होंने बोला कि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है मॉलिक्यूलर वेट. तो काफी वो वाला मैंने कर दिया. ये तो हाँ हमने वो बहुत वाला किया है क्वेश्चन क्लास में। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए. तो वो मैम का फिर वो सेटिस्फाई हो गई जब मैंने अच्छा से आंसर दे दिया. फिर द नेक्स्ट वॉज द सर एंड वो मुझे मैथ्स पूछे, ओनली मैथ्स, अच्छा ओनली मैथ्स। और ओनली मैथ्स पूछे. मैथ्स में मुझे उन्होंने पहले मुझे पूछा कि तुमने मैथ्स कितने स्टैंडर्ड पे की है. तो मैंने कहा कि हाँ मेरा 12th तक मैथ्स था. फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुमने क्या प्रिपेयर करके आया मैथ्स में. आई सेड दैट आई हैव लर्न प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन. तो उन्होंने मुझे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा, कॉइन्स के टॉसिंग से पूछा, टॉसिंग ऑफ द कॉइन से हेड एंड टेल कितना आता है, वो सब मैंने बेसिक बेसिक सा जो हमने 10th तक किया है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा. फिर मुझे स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछा, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला. फिर उन्होंने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा, जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
वो पूछा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन दे दिया, उसको डिराइव करना है एक इक्वेशन, ऐसे करके मुझसे मैथ्स में थोड़े क्वेश्चंस थे, मैथ्स हो गया। फिर मैंने मैथ्स लाइक 70% आंसर मैं दे पाई मैथ्स में, और 30% मैं नहीं दे पाई थी, बट दे सॉ माय अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट मींस यू आर डल और समथिंग लाइक दैट। दे सॉ माय प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, तो उनसे वो सिलेक्ट करते। मैंने लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का एक शायद गलत आंसर दिया था, बट या दे मेड इट। तो हाँ, मतलब वो अच्छे से आपको पुश करते हैं, पॉजिटिव वे में पुश करते हैं। हाँ, पॉजिटिव वे में देते, फिर वो बोले ठीक है, अगर तुमसे नहीं हुआ तो यू कैन गो एंड चेक दिस वंस, और फिर वो एंड करते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि लास्ट में व्हाई यू चोज आईबीएबी, ये रहता है सबका कॉमन रहता है, व्हाई यू चोज आईबीएबी एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बायो इन्फॉर्मेटिक्स कोर्स यू आर चूजिंग। तो थोड़ा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी अगर कोई बेसिक आइडिया लेके जाएगा इंटरव्यू में, तो वो बोल सकता है कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्यों चूज कर रहे हो, तो ये वो पूछता है। तो आपने क्या जवाब दिया था कि आपने क्यों आईबीए चूज किया, आईबीए चूज किया? मतलब हाँ मैम, आईबीएबी चूज करने के पीछे मैंने जवाब दिया था उनको कि आपने क्या रीजन दिया? हाँ, मैंने बोला था कि आईबीएबी चूज करने के पीछे एक बड़ा सा रीजन है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया है, जो कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कोर्स लेता है, मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स से स्टूडेंट्स को लेता है, और सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के कॉलेज इतने ज्यादा है नहीं इंडिया में, दिस इज वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। एंड मैंने ये भी देखा, ये भी बोला कि यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, बिकॉज उनका रिसर्च अप्रोच बहुत अच्छा है, तो फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और मेन थिंग इनके प्लेसमेंट्स लगते हैं विच आई वॉन्ट। इसके बाद इनके अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं, इंडस्ट्रियल अप्रोच बहुत अच्छा है, इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड अच्छे हैं आईबीएबी के। दिस इज वेरी न्यू इंस्टीट्यूट, इट हैज बीन एस्टेब्लिश इन 2001 शायद, 2001 में ये लाइक आया है एंड एस्टेब्लिश हुआ है, एंड दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन लाइक हैज अ गुड करियर रिसर्च, एंड उसके ऊपर उनका बहुत अच्छा है, तो मैंने वो करके एंड किया था। एंड मैंने ये भी बोला था कि यहाँ के सिलेबस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनका एमएससी सिलेबस उनके पोर्टल में है, यू कैन गो एंड सी द सिलेबस अच्छा। ऑल्सो, और इनका सिलेबस स्ट्रक्चर जैसे रखा है ना उन्होंने, बहुत अच्छा है। एंड मुझे वो सिलेबस बहुत चैलेंजिंग लगा, एंड इनके सीनियर से भी मैं एक दो बात करके देखी थी, दे सेड दे गेव मी अ गुड फीडबैक, ओके, तो तो मतलब इसीलिए। पूरा तुमने कॉम्बिनेशन से तैयारी करके तुमने दिया यहाँ पे इंटरव्यू हाँ आईबीए। मैम, इसके अलावा हाँ सुकन्या, वो जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे उसमें तुम बता सकते हो कौन सी यूनिट्स ज्यादा पूछी गई थी हाँ मैम, क्वेश्चन में? यूनिट्स, हाँ यूनिट्स मैम, सबका मिक्सचर था, मैं बोलूंगी माइक्रोबायोलॉजी था, सेल बायोलॉजी था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था, और मैम न्यूमेरिकल्स थे माइक्रोबायोलॉजी से, सीएफयू काउंट एंड वो बैक्टीरियल कॉलोनी वो सब निकालना, और माइक्रोबायो के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाना है। एंड मैम हाँ, रीसेंट रीसेंट अवेयरनेस, रीसेंट जो न्यूज आते हैं उसमें से भी क्वेश्चंस थे, थोड़ा जनरल नॉलेज वाला, जैसे कोविड से क्वेश्चन थे, कोविड वैक्सीन से क्वेश्चन थे, कौन अच्छा, से टाइप के वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो वाला टाइप के क्वेश्चन थे, और मैम बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन थे, अमाइनो एसिड्स थे, सो हाँ ये सब यूनिट्स मतलब इम्पोर्टेंट थे। बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये थोड़ी ज्यादा आपको दिखी, हाँ, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसके अलावा तुमने प्रिपेयर कैसे किया था सुकन्या इस एग्जाम के लिए? हाँ मैम, प्रिपेयर तो मैम मैं आईआईटी जैम से ही करती आ रही हूँ, आपसे प्रिपेयर किया था, अनअकैडमी में मैं लाइव क्लासेस बहुत ली हूँ, आपसे रेगुलर थी मैं, और आपने जो भी पढ़ाया क्लास में उसके बाद यू गिव अस टाइम टू टेक द नोट इन द कॉपी, सो मैंने आपसे सारा नोट्स बनाया था सारे यूनिट्स के, एंड पाथ फाइंडर आपने जो जो यूनिट कहे थे हमसे पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा, तो मैं आईआईटी जैम के टाइम में पाथ फाइंडर थोड़ा पढ़ी थी, एंड इसके अलावा
कॉलेज में जितना पढ़ाया गया है उतना अच्छे से रिवाइज करी थी, और अन अकेडमी में आपने जितना पढ़ाया वो पूरा नोट्स अच्छे से रिवाइज करके गई थी। और इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैम, पाथ फाइंडर का एमसीक्यू बुक मैंने लगाया है पूरा, और आपसे आप जो प्रैक्टिस सेशंस लेती हैं यू टेक इट रेगुलरली मैम, आपने शायद मुझे 5000 से अबव क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, तो मैम आपका सारा प्रैक्टिस सेशन मैं एक बार लगाई हूँ, गैटवी का भी प्रैक्टिस सेशन, अदर एंट्रेंसेस एमएससी एंट्रेंसेस का भी प्रैक्टिस सेशन वो सब लगाया है, एंड आईआईटी जैम के टाइम में तो जैम का पीवाईक्यूज भी सॉल्व था मेरा 5 ईयर्स का, तो उतना करने से हो जाएगा। इसके अलावा सुकन्या अगर तुम किसी को मैसेज देना चाहो जो आगे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और जिनको अप्लाई करना होगा यहाँ पे, तो आप कुछ मैसेज देना चाहें उनको? हाँ मैम, तो यहाँ पे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि द सीनियर्स दोज हू सेड मी कि यहाँ पे आने से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये इंस्टीट्यूट तुम्हें बहुत ग्रिल करेगा, एंड यू नीड टू गिव योर 110% हियर, यू हैव टू ऑल्सो सेक्रीफाइस मेनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लाइक, एंड यहाँ पे आने के बाद द कोर्स स्ट्रक्चर इज वेरी मच लाइक वास्ट एंड वेरी लेस टाइम टू कम्प्लीट इट, सो आपको अच्छे से रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, एंड आईबीएबी विल गिव अटेंशन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, सो उन लोग ऐसे नहीं है कि पूरा मार्क्स में देखते हैं, वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन देते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड चांस टू गेट इन टू अ नाइस कॉलेज एंड शेप योर फ्यूचर, सो यहाँ यहाँ सबके ऊपर इक्वली अटेंशन गिरता है सारे फैकल्टी मेंबर्स के, सो यहाँ यहाँ पे आने से लाइक मैं बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा है टू शेप माई करियर, एंड यहाँ पे आने से मुझे मुझे ये भी पता चलेगा, मुझे एक्सपोजर भी मिलेगा सारे बच्चों के साथ, एंड हाँ सारे बच्चों के साथ एक्सपोजर भी मिलेगा, फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत ध्यान रखेंगे, एंड आई लव द कैंटीन फूड हियर ऑल्सो, उन्होंने बहुत अच्छा खाना रखा है, तो इसी के लिए आई लव द होल प्रोसेस, यू हैव बीन थ्रू एवरीथिंग। मतलब पढ़ाई एक तरफ, खाना एक तरफ। हाँ मैम मैम, एंड द हॉस्टल इज वेरी नाइस आल्सो, हॉस्टल इज वेरी नाइस। ओके, पढ़ाई के साथ साथ तुमने सब कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छा है, फिर तुमने बोला कि अब यहीं पे ज्वाइन करना हाँ मैम, इससे अच्छा तो और कहीं नहीं मिलेगा। है। चलो बहुत अच्छी बात है तुम्हें। उसके अलावा सुकन्या, तुमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स से क्यों चूज किया, उसका भी कोई रीजन था? हाँ मैम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसीलिए चूज किया बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क इन ए ड्राई लैब, मैम मुझे वेट लैब में वर्क करना नहीं है, मुझे थोड़ा आईटी सेक्टर में भी इंटरेस्ट था इन अच्छा, प्लस टू, सो मैं थोड़ा इसको कनेक्ट करना चाहती हूँ मेरे बायोटेक्नोलॉजी को आईटी से, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, एंड ये आईटी सेक्टर में भी वर्क करता है, आईटी कंपनीज का भी इसके साथ डीलिंग्स है, तो इसीलिए आई रिमेम्बर आपने एक बार क्लास में बोला था कि अब रिकॉल हो रहा है। हाँ इसके अलावा गाइस, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हैं तो मैं कोर्सेज लेकर आ रही हूँ। एक है एनिमल फिजियोलॉजी के ऊपर जो कि 24 जून से शुरू हो रहा है, एक माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर है जो कि 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, और मैं एमएससी एंट्रेंसेस के लिए सारे के सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो कवर करवाती हूँ अनअकैडमी पे। तो अगर आपको मेरे साथ आके पढ़ना है तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, दैट इज अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 मंथ्स फ्री मिलेगा, यानी कि आपका 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 मंथ्स फ्री मिलेगा, और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी 6 मंथ्स फ्री मिलेगा। उसी के अलावा आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप बंसल बायोलॉजी कोड यूज करेंगे विदाउट एनी स्पेस। तो अगर गाइस आपको मेरे साथ आके एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो यू कैन ज्वाइन अन अकेडमी एंड यूज कोड बंसल बायोलॉजी, और ये जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए ही है, मतलब आज रात तक ही है। सो चलिए हाँ मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी विद बंसल बायोलॉजी। आई होप कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इससे नॉलेज मिलेगी, उनको पता चलेगा इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस प्यारे से इंस्टीट्यूट के बारे में, और अगर किसी का कमेंट आएगा तो जरूर सुकन्या उनको रिप्लाई देंगी, लेकिन जेन्युइन कोई अच्छे कमेंट होंगे तो बिल्कुल सुकन्या उनको रिप्लाई देगी। थैंक यू सो मच यस मैम, सुकन्या। थैंक थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी, यू। थैंक यू सो मच, द होल एफर्ट्स एंड होल हार्ड वर्क इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, एंड आई क्रैक दिस जस्ट बिकॉज ऑफ योर क्लासेस ओनली। Thank you so much, Kanya. Means a lot. Thank you so much.